सीरियल मन तो सुंदर में सुनने वाली है सुचाता और कविता की बातें। राधिका आने वाले ट्रैक में देखने को मिलता है कि अब भाई राम जी का दूत यानी कि हनुमान जी करने वाले हैं मदद राधिका की और बचाएंगे उसे और पहुंचा देंगे उसे रामायण तक जहां पर दशहरे का आयोजन हो रहा है। देखने को मिलता है कि यहाँ पर राधिका के पहुँचने से सुचाता बहुत बुरी तरह से भड़क जाती है कि इसके खिलाफ तो कुछ भी करो ये तो कुछ ना कुछ करके बच ही जाती है और उसकी तो पता नहीं कैसे मदद हो जाती है। वही देखने को मिलने वाला है कि भाई यहाँ पर वो वानर उसकी मदद तो कर देता है तो दूसरी तरफ सुजाता घर आकर यहाँ पर राधिका के खिलाफ बहुत ही बड़ा प्लान करते नजर आने वाली है जिसने कि दिव्यम खुद उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाले। लेकिन देखने को मिलता है इसके खिलाफ यहाँ पर काफी नफरत जो सुजाता है वो कविता से कहते नजर आती है कि इस बार तो आखिरी दांव होगा, इस बार राधिका को इस घर से जाना ही होगा। देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर ये सारी नफरत जो है कविता और सुजाता की वो राधिका सुन लेती है कि उसने दोनों को ही राधिका बिल्कुल पसंद नहीं है, दिव्यम के लिए कभी भी राधिका फिट नहीं है। ये सुनकर राधिका के होश उड़ जाते हैं और राधिका ये सब कुछ सुनकर बहुत ही बुरी तरह से टूट जाती है। तो देखने को मिलता है वहीं पर सुजाता और कविता की जो नफरत है आज तक जो उसके खिलाफ साजिश है वो सब राधिका के सामने आ जाती है और उड़ जाते हैं उसके होश। अब देखना दिलचस्प होगा सुजाता और कविता के खिलाफ कैसे राधिका इन सारे सबूतों को इकट्ठा करके दिव्यम और घर वालों के सामने लेकर आती है।